हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल अमित फिटनेस इंजीनियर पर। आज हम आपके लिए आपका फेवरेट बाइसेप्स वर्कआउट लेके आया हूँ। बताऊंगा इसका कंप्लीट सीक्वेंस क्या रहेगी और आपको कौन कौन से एक्सरसाइज करनी है। मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूँ, हमारी बाइसेप्स में मेनली तीन मसल होती है। ये वाली जो मसल होती है इसको हम बोलते हैं बाइसेप्स ब्रैकियाई। फिर आती है बाइसेप्स ब्रैकियाई के नीचे एक मसल होती है, ये यहाँ से यहाँ तक आती है, इसको बोलते हैं हम बाइसेप्स ब्रैकियालिस। थर्ड मसल जो रहती है उसको बोलते हैं ये वाली बाइसेप्स ब्रैकियो रेडियलिस। ठीक है, तो मैं बताऊंगा कि तीनों मसल को आप कैसे ट्रेन कर सकते हो। कई बार आपको पता नहीं होता और आप एक ही मसल को ट्रेन करके चले जाते हो, जैसे आपने बाइसेप्स कर लगा रहे हो, ठीक है, उसके बाद आप इनक्लाइन पे कर लगाना स्टार्ट कर देते हो और फिर आप ऐसे ही ट्रेन करते रहते हो, तो आपकी एक ही मसल ट्रेन होती है। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप तीनों मसल को ट्रेन कर सकते हो। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम करेंगे मोबिलिटी ड्रिल्स और थोड़ा सा हल्का हल्का वार्म अप, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं हमारा बाइसेप्स का वर्कआउट। टोटल 4 से 5 एक्सरसाइज लगाएंगे। मैं आपको प्रॉपरली हर मसल कवर हो जाए वो एक्सरसाइज बताऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज डंबल कर्ल। इसके हम 4 सेट लगाएंगे। पहला सेट जो लगाएंगे वो जाएगा 12 रैप्स के लिए, सेकेंड सेट जाएगा 10 रैप्स, थर्ड जाएगा 8 रैप्स के लिए और फोर्थ आप 6 to 7 जा सकते हो, ठीक है। बताता हूँ कौन सी ग्रिप रखनी है और कैसे लगाना है, ठीक है। इसमें हम ट्रेन करेंगे हमारी बाइसेप्स ब्रैकियाई को, ठीक है। तो हम एक पेयर डंबल लेंगे, हमारे हाथ ऐसे होने चाहिए, ठीक है, और इसको हल्का सा ऐसे ट्विस्ट करना है और इसके हम सेट लगाएंगे। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जब हम डंबल को नीचे लेके आएंगे तो हाथ को बिल्कुल ढीला नहीं छोड़ना है, थोड़ा सा ये टेंशन में होना चाहिए, ठीक है। बताता हूँ प्रॉपर कैसे लगाएंगे। ट्विस्ट करना ऊपर आके वैसे, इसके 4 सेट लगाएंगे। एक और जो आप मिस्टेक करते हो वो क्लियर कर दूं, आप लगाते टाइम बहुत ज्यादा हिलते हो, जैसे ऐसे बॉडी का लग ऐसे लेते हो, तो ऐसे नहीं, हमें बस अपने हाथों से ही यही मूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है, ये मूवमेंट रहेगी। करने जा रहे हैं हमारी सेकंड एक्सरसाइज प्रीचर कर्ल। जो सबसे बेस्ट होती है प्रीचर कर्ल में वो होती है जो कैम बेस्ड मशीन आती है, ठीक है, वो सबसे बेस्ट होती है, लेकिन वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम इजी बार की सहायता से लगाएंगे। और अगर आपके पास इजी बार भी नहीं हो तो आप डंबल लगा सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, 4 सेट लगाएंगे 10 to 12 रैप्स के लिए। आपके हाथों की पोजीशन ये होनी चाहिए, ऐसे लगाने आपको स्लो मोशन में फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ, स्क्वीज करना है मसल को। बिल्कुल कंट्रोल वे में लगाएंगे, 4 सेट 10 to 12 रैप्स। थर्ड एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने वाले हैं हैमर कर्ल। इस वीडियो में मैंने ध्यान रखा है कि आपकी बाइसेप्स की हर मसल अच्छे से ट्रेन हो, ठीक है। तो हैमर कर्ल के हम सेट लगाएंगे 4 और 4 सेट लगाएंगे 8 से 10 रैप्स के लिए, ठीक है। आपको ऐसे खड़ा होना है, ठीक है, और आपके दोनों हाथ ऐसे ढीले नहीं छोड़ने हैं, टेंशन में होने चाहिए, थोड़े से ऊपर रख सकते हो, बिल्कुल ऐसे लगाने हैं स्लो मोशन में। जो मिस्टेक करते हो आप, जो ऐसे लगाते हो ऐसे नहीं लगाने हैं, बिल्कुल कंट्रोल वे में फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ।
अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी फोर्थ एक्सरसाइज रिवर्स ग्रिप केबल कर्ल। ये है हमारी बाइसेप्स ब्रेकियोरेडियलिस के लिए, ठीक है। इसके हम 4 सेट लगाएंगे, 10-12 रेप्स तक जाएंगे, ठीक है। बताता हूँ कैसे लगाना है। ये ग्रिप होनी चाहिए हमारी भाई, ठीक है। स्ट्रेट खड़े होना है, कंट्रोल वे में ऊपर तक लेके आना है, स्क्वीज करना है मसल को, ज्यादा हिला डूंगा नहीं है, जैसे बॉडी की ज्यादा सपोर्ट नहीं देनी है, सिर्फ हाथों से 4 सेट लगाएंगे, 10-12 रेप्स। हमारा बाइसेप्स का वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है। अब हम ट्रेन करेंगे फोरआर्म्स को। जिस दिन हम बाइसेप्स का वर्कआउट करेंगे उसी दिन हम फोरआर्म्स की भी एक्सरसाइज करेंगे। टोटल मैं 3 एक्सरसाइज बताऊंगा फोरआर्म्स की। तो फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं स्टार्ट। हाथों को ऐसे रख लेना है ऊपर तक, इनको नहीं उठाना है ऐसे, बस रिस्ट की मूवमेंट करानी है हमें, ठीक है। इसके हम 3 सेट लगाएंगे, 15-20 रेप्स के लिए जाएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज हम फोरआर्म्स के लिए लगा रहे हैं रिवर्स ग्रिप। हमारे यहाँ छोटी छोटी बहुत मसल होती है तो रिवर्स करके लगाएंगे ताकि वो भी ट्रेन हो। और अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो आप सिंपली बार लेके उससे लगा सकते हो, टेबल पे या बेंच पे रख के, ठीक है। या आप डंबल से भी लगा सकते हो अपने पैर पे डंबल रख के। इसमें हम ज्यादा हैवी वेट नहीं लेंगे, सिर्फ रिस्ट की मूवमेंट करानी है। इसमें भी 3 सेट लगाएंगे 15-20 रेप्स के लिए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे फोरआर्म्स की लास्ट एक्सरसाइज। हमें एक 2.5 kg की प्लेट लेनी है और उसको ऐसे रस्सी की हेल्प से हैंग करना है और हम उसको रोटेट करेंगे। हमारे हाथ ऐसे स्ट्रेट होने चाहिए, इसको हमें ऐसे रोटेट करना है और फिर अपोजिट डायरेक्शन में इसको ऐसे लेके आना है, ठीक है। जब तक हम फेलियर तक नहीं जाते तब तक ऐसे यही प्रोसेस हमें करनी है। एक बार ऊपर लेकर जाना है फिर डाउन कंप्लीट। तो गाइस हमारा बाइसेप्स वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है, साथ के साथ हमने फोरआर्म्स को भी ट्रेन किया है। अगर आप बाइसेप्स वर्कआउट कर रहे हो तो आप कंप्लीट इसी सीक्वेंस में चलो जो मैंने आपको बताई है। इस वीडियो में हमने आपकी बाइसेप्स की जो सारी मसल है उनको ट्रेन किया है, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और कमेंट करके बताएं इनमें से आपकी बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है, आपकी फेवरेट एक्सरसाइज कौन सी है। आप अपना प्यार हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।